हेलो एवरी वन कोमल शर्मा दिस साइड एंड हेयर आई वेलकम यू ऑल एट यू ओन गार्गी क्लासेज अ प्लेस वेर यू कैन ईजीली गेट ऑल द इंफॉर्मेश्स रेलवेंट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो जैसा कि अपनी एन टी ए नेट यू जी सी की जो सीरीज़ चल रही है अभी यूनिट वन ऑफ ड्रामा ड्रामा में जो अपना सब पोर्शन ब्रिटिश ड्रामा चल रहा है उसमें अब तक अपने यूनिवर्सिटी विथ्स जो भी राइटर्स हैं यूनिवर्सिटी विथ्स के जो राइटर्स हैं उनके बारे में पूरा कम्प्लीट डिस्कशन हो चुका है

टाइटल uh, दिया गया था बार्ड होता है एक ऐसा पॉइंट जिसको बीइंग अ रीडर हम वर्शिप करते हैं ठीक है अवान बेसिकली उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इन स्टार्टफोर्ड अपॉन अवान तो अवान इज अ नेम ऑफ रिवर तो उस बेसिस पे उनका उनको जो टाइटल दिया गया था एज अ पॉइट बार्ड ऑफ अवान या फिर स्वैन ऑफ अवान विलियम शेक्सपियर was born ऑन अप्रैल ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन सिक्सटी फोर ट्वेंटी सिक्स अप्रैल फिफ्टीन सिक्सटी फोर में उनका जन्म हुआ था इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन वॉविक शायर इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था एंड ही डाइड इन अप्रैल ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन सिक्सटीन स्ट्राटफोर्ड अपॉन एवॉन और उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुई थी ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल सिक्सटीन सिक्सटीन में विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पॉइट वो एक इंग्लिश पॉइट थे ड्रामेटिस्ट थे एक्टर एंड ऑफन कॉल द इंग्लिश नेशनल पॉइट और उनको टाइटल भी दिया गया था ऑफन इंग्लिश नेशनल पॉइट एंड कंसिडर्ड बाई मेनी टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम विलियम शेक्सपियर अब तक के भी वन अमंग द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट में से एक माने जाते हैं ठीक है अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला जिस कैरेक्टर का नाम आता है जिस पर्सनैलिटी का नाम आता है एज अ ड्रामेटिस्ट और एज अ पोइटर पोइट तो वो सिर्फ विलियम शेक्सपियर का ही आता है ठीक है तो ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑफ विलियम शेक्सपियर शेक्सपियर ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर शेक्सपियर का जो पोजिशन है वो यूनिक है शायद उनकी कंपैरिजन में कोई भी ऐसा राइटर नहीं है एग्जैक्टली विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू ईच हर एक एज से हर एक एरा के हर एक पर्सनालिटी, हर एक एज ग्रुप के पर्सन से बिलोंग करते हैं हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरी द पोइट ड्रामेटिस्ट बैन जॉनसन प्रोफेसाइज्ड वंस दैट शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बैन जॉनसन जो कि विलियम शेक्सपियर के ही कंटेम्प्रेरी ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक है ड्रामेटिस्ट में से एक है, उन्होंने ये चीज़ कही थी अबाउट विलियम शेक्सपियर दैट शेक्सपियर नॉट ऑफ एन एज कि शेक्सपियर कोई बाउंडेड नहीं है विद एट पर्टिकुलर एज कि हाँ कि भाई एटीन टू ट्वेंटी वन के बीच के लोग ही इसको पढ़ सकते हैं नो no, हर एक एज ग्रुप के पर्सन पढ़ सकते हैं हर एक एरा से विलियम शेक्सपियर बिलोंगड है और ये बिलोंग भी हर एक पीरियड हर टाइम हर एरा हर सिनेरियो से बिलोंग करता है ही वॉज अ राइटर ऑफ़ ग्रेट इंटलेक्चुअल रैपिडिटी विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ इंटलेक्चुअल रैपिडिटी परसेप्टिनेस एंड पोइटिक पावर मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ थी एज अ राइटर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी

वैन अप्लाई टू इंटेलिजिबल ह्यूमन सिचुएशन हर एक सिचुएशन से वो बिलोंग कर सकते थे हर एक सिचुएशन को रिलेट करके वो रिप्रजेंट करते थे अपने ड्रामाज में फाइंड्स फुल एंड मेमोरेबल एक्सप्रेशन कन्विंसिंग एंड इमेजिनेटिवली स्टिमुलेटिंग उनका जो एक्सप्रेशन पावर था डेट वॉज जस्ट रिमांड वज और जो इमेजिनेटिव पावर को स्टिमुलेट करते थे इन टू हिज़ वर्क वो भी कमाल का था तो अगर विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को आप पढ़ते हैं तो आप उनके जितने भी ड्रामास हैं उन सब में आप आप एग्जैक्टली कंटेम्प्रेरी सिनेरियो से उसको इंटर रिलेट कर पाओगे इनफैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज़ ब्रिलियंस और हम कह सकते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर हर एक एज और हर एक टाइम से बिलोंग करते हैं तभी यूपीएससी के अगर पेपर्स भी हम उठा के देखते हैं तो उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है विलियम शेक्सपियर के वन टू वन आंग द ग्रेटेस्ट ड्रामास ठीक है यू पी एस सी आई एस मेन्स अगर हम बात करें तो उसमें किंगलेयर और टेम्पस्ट ये दोनों उस सिलेबस में प्रिस्क्राइबड है किंगर तो विलियम शेक्सपियर जो हैं उनके एक्सप्रेशन क्वालिटी उनका इमेजिनेटिव पावर उनका मेंटल स्ट्रेंथ वो ट्रमेंडस था ठीक है द आर्ट फॉर्म इन टू विच हैज़ क्रिएटिव एनर्जीज वेंट वॉज नॉट रिमोट एंड बुकिश बट इनवॉल्व द विद स्टेज इमपर्सनेट इम ऑफ ह्यूमन बींग्स कमांडिंग सिंपथी एंड इनवाइटिंग विकरियस पार्टिसिपेशंस तो उनका जो आर्ट फॉर्म है विलियम शेक्सपियर का जो आर्ट फॉर्म था इन टू विच हिज क्रिएटिव एनर्जीज़ वेंट जिसमें उनकी क्रिएटिव एनर्जीज साफ साफ दिखाई देती है वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं है उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई नहीं की थी प्रॉपर स्कूलिंग भी उन्होंने नहीं की थी उनका जो रेटोरिक नॉलेज उनको था कंप्लीट नॉलेज उनको था लैंग्वेज नॉलेज उनको था एक्सपीरियंस था उनको पर कोई डिग्री नहीं थी उनके पास तो बुकिश नॉलेज कहीं पे भी रिजाम्बल नहीं होता है कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि बुकिशनेस आ रही है या उनका हम कह सकते एक उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री थी उसका रिफ्लेक्शन उनके किसी भी प्ले में आ रहा है किसी भी वर्क में आ रहा है नहीं नेचुरल तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे राइट शेक्सपियर्स एजुकेशन वुड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ लेटेंट स्टडीज लेटिन में उन्होंने स्टडीज़ की थी उनका जो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग जो था उनका लेटिन लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग था एंड ही लर्न टू रीड राइट एंड स्पीक द लैंग्वेज फेयरली वेल एंड स्टडिंग सम ऑफ द क्लासिकल हिस्टोरियंस मोरलि एंड पोइट्स उन्होंने लेटिन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से स्टडी आउट किया था उसको बोलना लिखना सीखना सब अच्छे से आता था उनको बहुत सारे क्लासिकल राइटर्स जो कि मोरलिस थे हिस्टोरियंस थे पोइट्स उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी आउट किया था शेक्सपियर डि नॉट गो ऑन टू द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वो कभी नहीं गए थे एज़ आई ऑलरेडी मैंशनड and indeed it was unlikely that the scholarly round of logic rhetoric and other studies then followed there would have interested him or nahi university major education provide unka instead at the age of eighteen he married to anne hadway later he had three children इन द वेरी अर्ली एज ऑफ एटीन एटीन ईयर्स में ही उनकी शादी हो गई थी और ऐसा माना जाता है आई डोंट नो कि ये सिर्फ एजाम्शन है या रियालिटी है बट इतनी कम उम्र में विलियम शेक्सपियर की शादी होने का रीज़न ये था कि एन हैथवे उनसे बहुत बड़ी थी एट ईयर्स का डिफरेंस था आई थिंक उनकी एज में और एन हैथवे से शादी करने का मेन प्रायोरिटी जो विलियम शेक्सपियर की थी वो थी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना तो एक तरीके से डाउरी डिमांड की वजह से उन्होंने शायद एन हैथवे से शादी की की थी दिस इज जस्ट एन एजाम्शन मुझे एग्जैक्टली exactly रियलिटी नहीं पता पर हाँ जहाँ तक अभी तक मैंने जितना है उतना मुझे यही आइडिया है दैट ही गॉट मैरिज जस्ट बिकॉज टू गेट द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एन हैथवे he went to london and gaining entry into the world of theater by minding the horses of theater goers kuch time baad mein when he was 21 or 22 years old wo london gaye william shakespeare aur wahan pe unhone theater mein sabse pehle entry li thi as a होर्स माइंड मतलब जो भी लोग थिएटर में जाते थे पहले का ये trend हुआ करता था तो सबके पास vehicles होते हैं four wheelers होते हैं two wheelers होते हैं पर पहले के लोग इन सिक्सटीन और फिफ्टीन सेंचुरी हॉर्सेज पे जाते थे हॉर्स कार्ड्स होती थी या फिर तो उन हॉर्सेस को वो एक्जैक्टली exactly माइंड करते थे पार्क किया करते थे जैसे अभी एक गार्ड की जॉब होती है पार्किंग एरिया में तो सेम जॉब वो करते थे कि उन हॉर्सेज को माइंड किया करते थे उन हॉर्सेस को प्रॉपर पार्किंग में प्लेस किया करते थे जो भी थिएटर गोवर्स होते थे उनकी तो थिएटर में उनकी एंट्री इस तरीके से हुई थी राइट फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एंड द लिट्रे वर्ल्ड ऑफ लंदन केम इन में शेक्सपियर का एज अ ड्रामाटिस्ट और एज अ राइटर पहला था वो किस तरीके से आया था वो देखता है वैन अ फेलो ड्रामेटिस्ट रॉबर्ट ग्रीन डिक्लेय इन पैम्फलेट रिटर्न ऑन हेज डेथ बैन रॉबर्ट ग्रीन जो कि मैंने बताया था वन अमंग दूनिवर्स यूनिवर्सटिव में से एक राइटर है रॉबर्ट ग्रीन उन्होंने एक कोई पैम्फलेट लिखा था अपना एक बुक लिखी थी उसी में कोई पैम्फलेट था जो कि उनके डेथ के बाद भी पब्लिश हुआ था रॉबर्ट ग्रीन की डेथ के बाद उसमें उन्होंने शेक्सपियर के, के बारे में जिक्र किया था और उसमें उन्होंने इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था विलियम शेक्सपियर को वो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ देर एन आप स्टार्ट क्रो उन्होंने विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को आप स्टार्ट क्रो बताया था ब्यूटिफाइड विद आर फिगर्स That with his tiger's heart wrapped in a player's hide, suppose he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johansen, factum in is and has on concede the only Shakespeare in a country. तो इस तरीके से उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था अपने पैनलिट में और बुक पैनलिट का नाम क्या था? ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट ठीक है बॉट विद अलियन ऑफ रेपेंटेंस इन फिफ्टीन नाइनटी टू तो रॉबर्ट ग्रीन की बुक पैम्फलेट आई थी जिसका नाम था ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद्यन मिलियन ऑफ रेपेंटेंस इन फिफ्टीन नाइनटी टू वॉज पब्लिश आफ्टर ग्रीनस डेथ ये रॉबर्ट ग्रीन की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी लेटर शेक्सपियर बिकेम अ फुल टाइम प्रोफेशनल मैन ऑफ इज ओन थिएटर धीरे धीरे देर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ही जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने एज अ प्रोफेशनल राइटर इस प्रोफेशन को अपना लिया था और थिएटर में उनकी अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी शेयरिंग अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एंड अल्टीमेटली कंसर्न विद द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द प्लेस ही रॉट और उन्होंने एक्जैक्टली uh, exactly, उन्होंने शेयरिंग में अपना थिएटर ओपन किया था और उस थिएटर का सक्सेस जो भी था जो भी फाइनेंशियल कॉपरेशन्स थे वो उनके प्लेस के सक्सेस पर डिपेंड करता था तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर का एक छोटे से विलेज में वो जहाँ पे पैदा हुए और उसके बाद जो लंदन गए वहाँ पे उन्होंने थिएटर्स थिएटर में जिस तरीके से एंट्री ली और फिर uh, उनको शुरू में क्रिटिसाइज भी किया गया लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अच्छा मुकाम हासिल किया इन टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर तो इस तरीके से ये उनकी थोड़ी बहुत जर्नी मैंने यहाँ पर शेयर की है अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं और भी सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर राइट गार्ग क्लासेस डू वॉच द वीडियोज कॉन्टिन्यूसली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया है ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर्स बायोग्राफी तो आप लाइक like भी कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच